सबसे पहले जी टीवी भारत के दर्शकों गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल नमस्ते सर की नाम मेरा नाम डॉक्टर पवन टिंगरा सर की है तुहाडा मेन पेशा मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैगा हड्डियां डॉक्टर स्पाइन जॉइंट्स वगैरह सारे करदा ते सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड ते लुधियाने च मेरा अपना हॉस्पिटल है देव हॉस्पिटल सर हुण तुसी बहुत सारे मैडल भी जीते हुए ने हाल ही दे विच तुहानू एक अवार्ड मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड च तुहाडा नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड च किन्नी वारी तुहाडा नाम आ चुका है ते ए किद्दां तुहानू ए सम्मान मिला उहदे बारे थोड़ा अपनी जर्नी बारे दस्सो देखो ये जर्नी जी मैं शुरू की सी सैकलिंग की यह मैं अपने मिडल एज जो मिडल एज प्राप्त पहुंचे आप क्रॉस किया आप बुढ़ापे वाले पास जा रहे थे ओल्ड एज पास जा रहे थे तो मैं 47-48 साल जाके शुरू की है कि मैं कुछ अपने वास्ते करना चाहिए क्योंकि अपना हर बिजी शड्यूल सारा अपनी लाइफ स्टाइल इदा बन गया अच्कल बच्चों का भी लाइफ स्टाइल बने अपने भी बने सारी भाई दौड़ जी रही है कबील देरी रही है प्रोफेशन अपना देखना तो वो अपने अपने वास्ते टाइम नहीं कटते आप अपनी सेहत खराब रही है मैंटली भी परेशान रहते हो फिजिकली मैंटली परेशान कोई ना कोई परेशानी आती रही है तो 45 साल जब क्रॉस की उम्र मैं सोचा कि अपने वास्ते करना चाहिए प्रोफेशन तो चल चलते रहने के नाल हूँ प्रोफेशन सैटल भी हो चुके थे ठीक चल रहा स्ट्रीमलाइन चल रहा हूँ अपने टाइम से कि हम कर सकते अपने वास्ते है ना हर कोई करना चाहिए अपने वास्ते एक दो घंटे डेली करने चाहिए तो मैं जर्नी जी स्टार्ट की 47-48 साल मेरे को मेडिकल डिप्लोमा आई सी मेडिकल डिप्लोमा में आई विजन चली गई मेरी ब्लीडिंग हो गई अख के अंदर तो फिर उस तो बाद मैंने सोचा कोई कुछ गड़बड़ चल रही है शरीर से ता ही होगी ब्लीडिंग नहीं तो नहीं होनी सी टेस्ट सारे नॉर्मल से पर कुछ गड़बड़ सी जिस करके सारा कुछ हो रहा है फिर मैं सोचा अपने वास्ते कुछ करना चाहिए अपना लाइफ स्टाइल जो अपना खराब है चेंज करना चाहिए पहला मैं 2016 स्टार्ट की सैकलिंग अपनी डेली जाता से उतनी अभी 15-20 किलोमीटर डेली करते तो मैं जाना सैक्टर 32 चौंक पिंड वाले पास निकल जाते ताजपुर रोड से कोई शहर तो सड़क टुटी होती है तो पिंड वाले पास अंदर बढ़ जाओ सिर मौसम भी वधिया होंगे ठंडी हवा आती है और सड़क भी साफ है तो पिंड जाके असं ताजपुर रोड से निकल जाना पुखड़ी तनाशु चौंटा कभी सतलुज तक पहुँच जाते थे इदा 6-7 महीने करते रहे साल पोली फिर करते करते देखा कि ज़्यादा मौसम चेंज हों बारिश हो गई गर्मी हो गई तो फिर उस करनी मुश्किल हो जाती सी हौली जो सा ग्रुप बने से 5-6 बंद का वह टुट गया जो ब्रेक आ गई कि हाँ महीना नहीं की वो कहने दोबारा शुरू करनी फिर औखी लगी फिर मैं क्या मैं सैकलिंग छड़नी नहीं अपने तो मैं कुछ करा उन्होंने कला रह गया से कल सवेरे रोज़ जाना कल रिस्क ज़्यादा बनता है तो मैंने लगे नहीं कल तो जाना सेफ नहीं है रोज़ जाना तो कोई साथ नहीं बनता तो कुछ इदा का करा जब मेरी सैकलिंग भी होंगी रहे कसरत भी होंगी रहे तो मैं अपने नाल तो अपने प्रेशन चलता रहे फिर मैं एक क्लब है साढ़ा है ओडक्स क्लब पैरिस का इंटरनेशनल क्लब होंगे ये सारे वर्ल्ड राइड्स कराता सैकलिंग लंबी सैकलिंग कराता लंबी सैकलिंग तो फिर इन मन बनाया कि इन ज्वाइन करते हैं तो उस तो पहला मैं इस तो पहला ज्वाइन करने पहला सिर्फ मैं एक बार मैं लाई सी 100 किलोमीटर इतों मैं मनेडे तक गया तो वापस आया सगा तो संडे संडे निकलते उस तो बाद एक बार मैं चंडीगढ़ गया सैकल से शाम को निकले से 5 बजे तो अगले दिन सवेरे 5-6 बजे वापस आ गया मैं चंडीगढ़ वापस जाकर 200 किलोमीटर कर ली तो पता सगा कि हाँ 200 किलोमीटर कर ली है तो यह लंबी राइड्स कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं तो इन्हें क्योंकि इस क्लब की राइड्स होंगी लंबी राइड्स है छोटी राइड्स नहीं होंगी कोई इन्हें लोंग डिस्टेंस राइड्स है इंडोरेंस राइड्स है इन्होंने तो घट घट राइड जी राइड इन्हों की है 200 किलोमीटर होंगी है जिन्होंने करने टाइम करना पूरा करना पैंता ता ही सर्टिफिकेट आता पैरिस तो सर्टिफिकेट आता मैडल आता तो 200 किलोमीटर वास्ते मिलते हैं 13.5 घंटे फिर उस तो बाद आती राइडिंग 300 किलोमीटर जिन्होंने मिलते हैं 20 घंटे 400 किलोमीटर मिलते 27 घंटे 600 किलोमीटर मिलते हैं 40 घंटे ये चार राइडा जो आप कर लें जे एक राइड कर लिए उन्होंने कहने आप रेंडो नीयर जे आप चार राइड कर लें 200, 300, 400, 600 ठीक है ये चार राइडा बना के जो फिनिश कर लगा एक साल सैशन के अंदर एक साल के अंदर सैशन के अंदर तो उन्होंने आप कहने सुपर रेंडो नीयर SR टाइटल कि कह सकते हैं मैडल आता SR स्पैशल जिहड़ा मैं 2017 पहली बार जी राइड की मई 2017 की पहली 200 किलोमीटर उस तो बाद सैशन खत्म होता साढ़ा 31 अक्टूबर में 31 अक्टूबर 2017 तक मैं ये 3 मैडल हासिल कर चुका सी 3 SR हूँ एक जी जर्नी चलते चलते 2017 तो 2023 आके हूँ तक मेरे अज की टिल डेट ये मेरे मैडल जो है 33 SR हो चुके हैं 33 SR हो चुके 33 × 4 तो 33 × 4 132 राइडा इन्हें इवेंट्स मैं कर चुका देखो इंडिया के आलमोस्ट सारी स्टेट्स घूम लिया एक्सैप्ट नॉर्थ ईस्ट बाकी सारी स्टेट्स मैं घूम चुका सारे हाईवे मैं टच कर चुका तो देखो लंबे लंबे जो मेरे है जो 200, 300, 400, 600 होंगे तो चलो इस विद इन स्टेट हो जाते जो 1000 किलोमीटर करनी है तो स्टेट तो बाहर जाना पैंता अपनी स्टेट तो बाहर जाना पैंता 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर वास्ते तो जी लंबी जब एक राइड दिल्ली तो वाघा बॉर्डर फिर वाघा तो दिल्ली वापस ये हो गई फिर सारे पंजाब ओवरऑल दिल्ली घूमे सारे पंजाब चक्कर मारिया वो 1000 किलोमीटर किया
फिर नोएडा तो जम्मू तक भी 1200 किलोमीटर की सी, फिर इतों की जलंधर तो स्टार्ट की राइड एक में असी गए सांबा तक, जम्मू तक, जम्मू तो पहले सांबा तक, सांबा तो वापस आके फिर असी गए बाय राजपुरा बठिंडा होकर सूरतगढ़ तक जाके असी, हाँ जी सूरतगढ़ तो वापस आके फिर असी जलंधर वापस आए थे। तो रीसेंटली मैं हूँ श्रीनगर तो कन्याकुमारी की है, जो मार्च महीने की, श्रीनगर तो कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर, वो मैं 13 रात 14 दिन की है। इस तरह जी बारहली राइड्स है, बारहली राइड मैं दिल्ली तो नेपाल गया 14 किलोमीटर कल, उस तो बाद 2019 मैं पैरिस गया, बेलजियम भी गया, तो बेलजियम में किए 200 किलोमीटर और पैरिस किए 1200 किलोमीटर, वो भी इन्हों का इवेंट से ऑर्डर्स क्लब का इवेंट होंगे पी बी, हम कहते पी बी पी आप, और 4 साल एक बार ही होती है, तो हम अगस्त फिर हम जा रही है, तो मैं उस पार्टिसपेट करना जा रहा हूँ। विश्व बुक रिकॉर्ड का देखो रिसेंटली हम ला इस में मिले, मैंने कल ही मैंने मिले अचीव किया मैं, तो टिल डेट जो किया ये वास्ते 153 इवेंट्स मेरे हूँ तक हो चुके हैं, प्लस टोटल 33 SR, टोटल जो किलोमीटर्स है मेरे अराउंड 66 या 66 किलोमीटर हो चुके हैं, जेडे 153 इवेंट्स, तो सारे एशिया नंबर 1 च है सब तो ज़्यादा है। तो इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी नाल मिले, पहली बार मिला जो मेरा सीरीज़ कितिया 15 सीरीज़ कंप्लीट हुई 2 साल से, उदो मैं पहली बार मिला इंडिया बुक का, उस तो बाद फिर मिले मैं 25 सीरीज़ का मिला से, जब 25 सीरीज़ पूरी सेंचुरी पूरी होगी मेरी, 100 इवेंट्स पूरा क्रॉस कर गया, 102 इवेंट्स का मैंने सैकंड अवार्ड मिला इंडिया बुक का, और तीजा इवेंट जो मैंने मिले ये मिले मैंने 31 SR का इंडिया बुक का आया, 31 SR का, बाकी एशिया बुक का मेरा रिकॉर्ड आया दूजा 33। सर टाइम कितना कटते हो, मतलब सारे काम के नाल डॉक्टरी पेशे से हो तुम, वो भी काफ़ी मशरूफ पेशा है, दूजे पास साइकिलिंग ले भी टाइम करते हो अपनी सेहत ले भी, कितना कितने नौजवानों को मैसेज भी दे दो कि अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी, देखो मैनेज कर। देखो प्रोफेशन के नाल नाल अपने जो भी काम है तुहाडा, जिहड़ा भी प्रोफेशन किसी का भी जिहड़ा भी होवे, नाल नाल अपनी सेहत बहुत जरूरी हैगी, जे आपां चंगी जिंदगी जीनी है, सेहतमंद जिंदगी जीनी है, लंबी जिंदगी जीनी है, लंबी ना भी होवे जिन्नी जिंदगी जियो हस के जियो, चंगी जियो पछाणक नहीं, तो वो मैं करते इस करके कि हर मैं जो इवेंट्स करता मैं मोस्टली वीकेंड्स से मैं साइकिलिंग करता, वीकेंड्स से सैटरडे संडे, बाकी दिन जो होंगे वो मैं रनिंग या वॉकिंग मैराथोन वाले पास चला जाता मैं, तो वो भी करता। मैं हर एक यही कहना कि अपने शरीर वास्ते कि अपना फिट रहिए, फिजिकली भी मैंटली भी तो और सोशली भी तो स्पिरिचुअली भी, जो आप कुछ भी एक्टिविटी करते इदा की जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जी है कई तरह की होंगी, देखो जो स्पोर्ट्स है बैडमिंटन हो गई या बास्केटबॉल या क्रिकेट हैगी है, और टाइम बाउंड है कि इन्ने साल तक कर सकते, 40-45 साल तक कर सकते, उस तो बाद बंदा कहता नहीं हम स्टैमिना है नहीं कर सकते, नाले हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हैगी है, उस जो ज़्यादा करा तो अपनी कमर खराब होएगी या गोडे खराब होने ना, लिगमेंट्स टुटन गए, शोल्डर खराब होने, जी एक्टिविटीज़ है एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ जी एरोबिक्स हुई, एरोबिक्स हो गई, योगा हो गया, थोड़ी वॉकिंग होगी, जॉगिंग होगी, मैराथॉन्स होगी, साइकिलिंग होगी, स्विमिंग होगी, ये एक्टिविटीज जी है तो सारी जिंदगी टिल लास्ट डेट डे तक कर सकते, लास्ट ब्रेथ तक कर सकते। मेरा प्लान है कि हम मैं जरा हम अगर जा रहा अगस्त जा रहा पैरिस जा रहा दोबारा 1200 किलोमीटर जा रहा, तो मेरा नैक्सट 2 साल मेरा है कि टोटल जो मेरे किलोमीटर है इवेंट किलोमीटर है इवेंट से वो 1 लाख किलोमीटर हो जाए, प्लस नाल इवेंट्स मेरे मिनिमम 200 हो जाएंगे, 200 इवेंट्स करने का टच आएगा, तो अराउंड 2 साल 2025 तक खत्म हो जाएगा।